अब एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? तो इसको समझने के लिए हमारे अर्थ पे वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, और उन वाटर के सोर्सेज पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो वेपोराइज होकर के ऊपर की तरफ उठते हैं, और इससे क्या होता है, जो एयर है वहाँ पर मॉइस्चर हो जाता है। तो एयर में ये जो मॉइस्चर फैल जाता है यही ह्यूमिडिटी कहलाता है, या इसको आर्द्रता कहते हैं, और आम भाषा में इसको नमी भी कहा जाता है। सुनने में तो यह नमी बहुत ही आम लगता है, लेकिन वास्तव में ज्योग्राफी में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आइए समझते हैं इस वेपोराइजेशंस को, इस मॉइस्चर को और प्रिसिपिटेशंस को। तो कहीं सोर्स पे अगर वाटर जमा हुआ है और उस पर हीट पड़ती है तो वो जो वाटर का पार्ट है वो हल्का हो जाता है, वाष्प हो जाता है, वेपराइज हो जाता है और ऊपर की तरफ उठ जाता है, और आसमान में आपको घने बादल दिखाई देते हैं। अब जब यह हीट कम होता है तो ये जो वाष्प है, जो वेपर्स है, वो वाटर के ड्रॉप में बदल जाते हैं, और चूंकि ड्रॉप का जो वेट है वो ज़्यादा होता है, एयर उसको होल्ड नहीं कर पाती, तो वो धरती पर आ गिरते हैं। यही प्रक्रिया प्रिसिपिटेशंस कहलाती है। यही जो प्रिसिपिटेशंस या वर्षण है वह जब जमीन पे गिरता है तो उसको रेन कहा जाता है या वर्षा कहा जाता है। जब आप आसमान में जेट प्लेन को उड़ते हुए देखते हैं तो आप देखेंगे कि जेट प्लेन के पीछे एक क्लाउड जैसी लाइन दिखाई देगी। एक्चुअल में यह जेट प्लेन के द्वारा छोड़ा गया मॉइस्चर है, जो थोड़ी देर तक एयर में रहता है और उसके कारण वह लाइन दिखाई देती है। आइए जो वेरियस टाइप्स के रेनफॉल हैं उनको ग्राफिक से समझते हैं। यह है साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ से कोल्ड एयर है, दूसरी तरफ से वार्म एयर है, और एक साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है, और इस साइक्लोनिक कंडीशन में विंड जो है वो मूव कर रहा है, और उससे जो क्लाउड्स है वो फॉर्म हो रहे हैं, और उस क्लाउड के फॉर्म होने के कारण रेनफॉल हो रहा है। यह रिलीफ रेनफॉल है, या इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ऐसा रेनफॉल माउंटेन के पास होता है जहाँ पर मॉइस्ट एयर क्लाउड्स के रूप में होता है, और फिर जब वो ठंडा हो जाता है रेनफॉल के रूप में दिखाई देता है। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है, यहाँ पर हीट बढ़ी और वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठने लगा, और फिर ये क्लाउड्स बन गया, और फिर यही क्लाउड्स जमीन पे गिरता है। टेम्परेचर पढ़ा हमने, प्रेशर पढ़ा हमने, हमने विंड्स को पढ़ा और मॉइस्चर को पढ़ा। अब इन सब को मेजर करने का कोई ना कोई मशीन होता है, तो आइए इस मशीन को समझते हैं ग्राफिक्स के द्वारा, कि कौन कौन से मशीन होते हैं जो इन सब को मेजर करने के काम आते हैं। यह है थर्मामीटर, इससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। यह है बैरोमीटर, इससे प्रेशर को मेजर किया जाता है। यह है रेन गॉज, इससे रेनफॉल के अमाउंट को मेजर किया जाता है। यह है विंड वेन, जिससे विंड के डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। आइए एक केस स्टडी को करते हैं, जो है साइक्लोन के ऊपर। ये जो साइक्लोन होता है वो वे ऑफ बंगाल में बनता है, और उड़ीसा में रेनफॉल कराता है। तो उड़ीसा में कई बार
साइक्लोन के आने का खतरा बना रहता है, इसी पे हमारा एक केस स्टडी है। इसको आइए ग्राफिक से समझते हैं। इंडिया का जो ईस्टर्न सी कोस्ट है, वहाँ पर चक्रवात या साइक्लोन के आने का खतरा हमेशा बना रहता है। चक्रवात 17-18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के 5 डिस्ट्रिक्ट में आया था। इसके बाद 29 अक्टूबर 1999 को फिर से एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया और इसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्टॉर्शंस किए। इसका जो वेलोसिटी था वो 260 किलोमीटर था। क्या कारण था कि ये साइक्लोन इतनी ज़्यादा तबाही कर पाया? तो इसके तबाही करने के कारण उसका वेलोसिटी का होना है, प्रिसिपिटेशन है, रेनफॉल है एंड टाइड्स है। इसके कारण बहुत सारे शहर बर्बाद हो गए और इस तबाही ने बहुत ज़्यादा पीपल का, कंस्ट्रक्शन का और नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान किया।